एक समय की बात है, रिया और प्राची नाम की दो बहनों का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। लेकिन जब दोनों ही काफी छोटी थी तभी दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। रिया लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, वहीं प्राची उत्तर प्रदेश में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो शहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान थी, वहीं रिया लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही रही थी, साथ ही वो काफी स्टाइलिश और बिंदास रहने वाली लड़कियों में से एक थी। तभी एक दिन अचानक उत्तर प्रदेश में रहने वाली प्राची अपने माता पिता का सहायक हो देती है। अब गांव में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तभी प्राची के कुछ जान पहचान के लोग उसे लंदन उसकी बहन रिया के पास छोड़ आते हैं। शहरी दुनिया प्राची के लिए एक नई दुनिया थी। उसे ना तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा पता था और ना ही उसे पर्सनैलिटी में रहने का ढंग था। जब भी लंदन में रिया के घर उसके दोस्त आया करते थे तो वो सभी उसकी बहन प्राची को देखकर उसे उसकी नौकरानी कह देते थे, जिसे वॉशिंग मशीन तक इस्तेमाल करनी नहीं आती थी और ना ही इस बात की समझ थी कि घर में आए फ्रेंड से हाय हेलो कैसे किया जाता है। हालांकि रिया उन्हें पलट कर जवाब तो दे देती थी, लेकिन वो भी चाहती थी कि उसकी बहन अपना रूप रंग बदले और कुछ टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करना भी सीख ले, ताकि प्राची को कोई काम करने में दिक्कत ना हो और लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल भी सके। क्योंकि प्राची लंदन में सिर्फ चार दीवारी में तो रह नहीं सकती थी। जब भी रिया अपनी बहन को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती तब भी उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए तुरंत ही रिया ने प्राची को घर की टेक्निकल मशीनों का इस्तेमाल करना सिखा दिया था। प्राची वॉशिंग मशीन, ओवन और दूसरी कई टेक्निकल मशीन का इस्तेमाल आसानी से कर सकती थी। तभी रिया सोचती है कि अब क्यों ना प्राची का लुक चेंज किया जाए। तभी वो एक दिन अपने घर में बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाती है और अपनी बहन को मना कर उसका लुक चेंज करवाती है। हालांकि पहले तो प्राची ने अपनी ये पर्सनैलिटी चेंज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो इस बात के लिए मान जाती है और इसी तरह मेकअप के बाद प्राची पूरी तरह बदल जाती है। ओपन हेयर, स्टाइलिश ड्रेस और मेकअप के साथ प्राची बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी और उसकी इसी खूबसूरती की तारीफ करते हुए रिया थक नहीं रही थी। प्राची को देखकर कहा ही नहीं जा सकता था कि वो लंदन में नहीं आई है। इसी तरह लंदन में उसे काफ़ी लंबा समय हो जाता है और अब वो लंदन के रूप रंग में पूरी तरह से ढल चुकी थी और इसलिए अब दोनों ही बहन मिलकर अपनी लाइफ खूब इंजॉय करने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको देसी प्राची की ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।